जिस तरह की तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजनांदगांव में जो वहां से बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत की है, जरा वो भी सुन लीजिए। के प्रथम चरण में हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, राजनांदगांव में रमन सिंह खिलाफ गिरीश देवांगन, सबसे पहले मंदिर आए जी, बताइए क्या आपने दर्शन किया? नगर की देवी माता शीतला का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है और आज मतदान का दिन है। मैंने सोचा कि अपने दिन की शुरुआत माता के दरबार से आशीर्वाद लेकर करूं, क्योंकि नगर के विकास के लिए नगर में पूरा आशीर्वाद शीतला माता का हम सब पर बना हुआ है, तो आज मैंने शुरुआत यहाँ से की है। चुनाव के इस पूरे दौरान जो प्रचार चलता रहा, क्या लगता है आपको? भारी जन समर्थन है, लोगों ने मन बना लिया है कि डॉक्टर रमन सिंह को इस समय बदलना है। पिछले 15 साल में उन्होंने चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ा, पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता समझ चुकी है कि वो जनता के बीच रहते नहीं हैं। और मैंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हमेशा उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ रहूँगा और उनके सेवा और समस्या के लिए तत्पर रहूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन। सबसे पहले नगर की देवी माँ शीतला का उन्होंने दर्शन किया और वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त है। कैमरामैन नीलकंठ के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज़, राजनांदगांव।